गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 11:25 सुबह हो गई है और मैं आज आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। क्या बनाकर दिखाने वाली हूँ, चलिए मैं बताई देती हूँ आपको। तो आज मैंने बनाई है टेंटेडेन, क्या है ये देखिए पास से, ये है मैंगो कुल्फी, स्टफ मैंगो कुल्फी। तो मैं आज आपको स्टफ मैंगो कुल्फी बनाना बताने वाली हूँ ब्लॉग में कि मैंने आज बनाई है और मैं उसे कैसे खाऊंगी। फिलहाल तो मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। वैसे तो मैंने पहले ही बना ली है लेकिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने उसे कैसे बनाया। तो आप उसे दिल से देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और यही है वो मीशो का पोलका ड्रेस। तो आपको मैं बता दूँ एक चीज़, चलिए मैं बाद में बताऊँगी इसी ड्रेस से रिलेटेड। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम आइसक्रीम बनाना सीखते हैं। बनाने वाले हैं उसके लिए हमने दूध को बॉईल कर लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर करके गाढ़ा कर लेंगे और गाढ़ा करने के बाद हम इस दूध में इलायची पाउडर डालेंगे। देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है मिल्क, मतलब आप अगर आधा लीटर दूध मैंने रखा था तो आधा लीटर में से अब देखो इतना बचा, और इसे हम कम कर लेंगे। और इसका कुल्फी की तरह जब ये हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और इसके अंदर हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे और साथ में हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और इसके बाद हम करेंगे इस मैंगो में से हम निकालेंगे इसकी गुठली को, और इस गुठली को निकालने के बाद हम इस आइसक्रीम के मिक्सचर को उसमें भर देंगे और हमारी स्टफ मैंगो कुल्फी तैयार कर लेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना क्योंकि मैं इसे पहली बार ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इसे हम खोलेंगे, मतलब इसकी गुठली निकालेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है तो करते हैं। देख रहे हैं आप, दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसके अंदर अब हमें चीनी डालनी होगी। तो थोड़ा सा हम इसे और गाढ़ा कर सकते हैं वैसे, ताकि इसका फ्लेवर जो है आइसक्रीम के साथ जब जमे, ये मैंगो के साथ जब ये जमे तो बिल्कुल बर्फ़ी की तरह जम जाए, है ना। अगर हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे शुगर डालेंगे इसके अंदर और हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डालेंगे ताकि ये टेस्टी लगे हमें, और साथ में हम इलायची भी इसके अंदर डालने वाले हैं। सो ये हम इलायची भी डालेंगे इसके अंदर। सो ये दूध हो रहा है और मैंगो हमने एक ही मैंगो पर ट्राई करने हैं आज हम, क्योंकि एक अकेले ही मैं हूँ और मैंगो भी एक ही रह गया था। सो हल्का हल्का धीरे धीरे आंच पे आपको दूध गर्म करना है ताकि दूध जले ना और फ्लेवर भी आता रहे। तो स्टफ मैंगो कुल्फी, गर्मी का टाइम चल रहा है, ऐसे में स्टफ मैंगो कुल्फी जो है वो थोड़ा हम तेज कर दें गैस को, चलाते रहिए ताकि जले ना। तो थोड़ा रबड़ी की तरह ये बन रहा है, यानी रबड़ी की तरह से छोड़ना है आपको, रबड़ी जैसी गाढ़ी हो जाती है ना वैसा ही आपको इसमें छोड़ना है। और इसमें हम थोड़ी सी चीनी और एक चुटकी डाल देंगे इलायची पाउडर, हल्के से मैं डाल दूंगी इसमें नट्स ताकि लगे टेस्टी टेस्टी। आई होप कि इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। तो थोड़ी सी चीनी डालेंगे क्योंकि वैसे ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ इतनी डालेंगे कि थोड़ा मीठा लगे, क्योंकि आम इस वक्त थोड़े खट्टे आ रहे हैं तो इस वजह से हम इसमें चीनी थोड़ी सी डालेंगे। तो ये अब हमने दूध बंद कर दिया है,
और हम इसमें इतनी चीनी करीब करीब डाल देते हैं बस, और हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद ही हम इसे आम के अंदर पोर करेंगे, और तब तक हम आम की गुठली निकाल देते हैं। और आम की गुठली निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इसमें आम के अंदर इसे फुल कर देंगे। और तब तक हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी इलायची पाउडर, बिल्कुल ओरिजिनल इलायची का पाउडर है, इसलिए ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा कम ही डालें, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल इलायची की स्मेल है इसके अंदर। ये देखिए, तो देखिए इलायची पाउडर भी हमने इस पर छिड़क दिया है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ नट्स को कट करके डाल देते हैं, नट्स थोड़े ठंडा होने के बाद डालेंगे, नहीं तो वो नट्स जो है ना वैसे अजीब से हो जाएंगे। तो इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर, फिर हम बाकी बादाम और काजू को हम थोड़ा सा गिलास के अंदर डाल के दरदरा कर लेते हैं। बारीक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जब छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते इसलिए, ठीक है। तो ये देखिए हो गए हैं, इसे हम दूध में ठंडा होने के बाद डाल देंगे। इस ड्राई फ्रूट को हम अपने इस मिल्क में पोर कर देते हैं, डाल देते हैं। और ये देखिए मैंने डाल दिया है, ये पूरा ड्राई फ्रूट मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है और ठंडी भी हो गई है। अब हम अपने आम को जो है आम में से गुठली को निकालेंगे, तो गुठली को निकालने के लिए हमें छोटा चाकू लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे गोल गोल करके हम इसमें से गुठली को निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम इस आम का ये ऊपरी हिस्सा है जो है ये, यहाँ से आम थोड़ा ढीला हो गया एक्चुअली, हम इसका ऊपरी हिस्सा जो है यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कट कर लिया है, अब हम धीरे धीरे इस तरह से अंदर चाकू डाल के देखते हैं गुठली कहाँ तक है, यहाँ तक है कुछ इस तरह से, थोड़ा धीरे धीरे अंदर से हम कट मार के गुठली को ऐसे गोल घुमा घुमा के बस इस तरह से गुठली को हम निकाल लेंगे। देखिए अब हमने गुठली निकाल ली है ना, देख रहे हैं आप, तो एक दो बार की प्रैक्टिस में आप गुठली को निकाल लेंगे। मैंने आम को वैसे फ्रिज में रखा हुआ था, बाकी ये जो गूदा है देख रहे हैं आप, ये वाला गूदा है ना, ये जो गूदा है ये भी हम अंदर ही डाल देंगे इसके, और ये क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था फिर मैंने इसे बाहर रखा, तो ताकि ये थोड़ा ढीला हो जाए गुठली, नहीं तो गुठली अगर ढीली नहीं होती तो फिर दिक्कत हो जाती। तो अब मैंने इसके अंदर ये जो सारा जो निकाला था वो डाल दिया, अब मैं इसके अंदर आइसक्रीम को भरूंगी। पहले मैं कप लेकर आती हूँ फिर मैं इसे भरूंगी। तो एक काम करते हैं, हम इस आम को इसमें रखते हैं, पर ये ठंड डल नहीं रहा है, मुझे कप ही लाना पड़ेगा ताकि कप में फंस जाए, मैं कप लेकर आती हूँ। तो ये कप में मैं आम को इस तरह से यहाँ पे रख देती हूँ। आम को हमें सीधा रखना है ताकि ये जो हमारा घोल है, देख रहे हैं आप, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने रबड़ी बनाई है या जो मैंने आइसक्रीम का ये बनाया है, इसको मैं पूरा अंदर तक डाल दूँगी, और थोड़ा ज़्यादा है ये उस हिसाब से, और हम इसको थोड़ा सीधा करेंगे इस तरह से फंसा देंगे। और ये जो आम की गुठली है, आम का ढक्कन जो है, ये हम यहाँ ऊपर रख देंगे, और इस कप को अब हमें ऐसे ही हालत में डीप फ्रीज़र में रखना है, ठीक है।
तो चलिए मैं इसे डीप फ्रीजर में ले चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। फाइनली इस कप को हम ऐसे ही ले चलेंगे और ये फर्स्ट ट्राई है हमारा, और मैं इसको अपने फ्रीजर के अंदर, डबल वाला जो मेरा फ्रिज है, ये देख रहे हैं आप, ये जो मेरा फ्रिज है गोदरेज का फ्रिज है, ये इसके वाले फ्रीजर में इसे हम रख देंगे। तो ज़रा मैं फ्रीजर को खोल लेती हूँ पहले, ओके। इसके अंदर काफ़ी आवाज़ आ रही है तो इसे हम ऊपर की तरफ रखते हैं, थोड़ी जगह कर देती हूँ। इसमें आइसक्रीम ऑलरेडी रखी है तो अब हम इसे डीप फ्रीजर में तब तक के लिए रखेंगे, डीप फ्रीजर में इसे जब तक ये पूरा जम नहीं जाता, ठीक है। तो जब जम जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है हमारा मैंगो का कुल्फी, क्योंकि हम इसे पील करके छील के खाएंगे। मैंगो कुल्फ़ी बनकर तैयार है और देख रहे हैं आप, ये मैंगो कुल्फ़ी है और ये बहुत ही टेस्टी है। इसका रेसिपी वीडियो अब मैं आपके लिए लगाने वाली हूँ, सो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना।